Alright guys, welcome back to a brand new Material UI Crash Course in 2024. ये complete beginner friendly tutorial होगा and by the end of the course आप तमाम चीजें implement कर पाएंगे regarding Material UI. Hi everyone, मेरा नाम साद है और आज हम start से लेके end तक MUI को देखेंगे with respect to React for complete beginners. इसके अंदर advanced चीजें नहीं है like breakpoint, themes को create करना, वो सब हम intermediate और advanced course में सीखेंगे. तमाम timestamps इस video की description में होंगे, वहाँ से जो चीज आपको देखनी है वो आसानी से आप देख सकते हैं. Material UI एक CSS डिजाइन लाइब्रेरी है जिसके अंदर प्रीबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं एंड इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल डिजाइन बाय गूगल. जिधर material.io एंड्रॉइड के डिजाइन के लिए यूज होती है, MUI काफी ज्यादा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन. CSS को स्टार्ट से नहीं लिखना पड़ता एज वी कैन इम्प्लीमेंट रेडी टू यूज डिजाइन यूजिंग दिस फ्रेमवर्क. मैं MUI की साइट पर जाता हूँ और इधर आप देखेंगे कि इट प्रोवाइड्स एलिमेंट्स लाइक कार्ड्स, डेट पिकर्स, म्यूजिक प्लेयर्स, टैब्स, ग्रिड्स, बटन्स एंड सो मच मोर. अगर आपको लगता है कि MUI का स्कोप नहीं है तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, यूनिटी, शटरस्टॉक ये सारी MUI का यूज करती हैं. MUI के बेनिफिट्स हैं कि इट इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस कि आपको एक ही चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ती फ्रॉम स्क्रैच. रिस्पॉन्सिव और मॉडर्न UI UX डिजाइन हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमने सिर्फ कंपोनेंट्स को कॉल करना है, उसके अंदर प्रॉप्स पास करने हैं और काम खत्म. ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू एंड बेनिफिट्स ऑफ मटेरियल UI कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट गाइस, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा और रिएक्ट को वीट के साथ इंस्टॉल करूंगा. इंस्टॉल होने के बाद अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दूंगा. मैं इसके अंदर से डिफॉल्ट कोड को रिमूव कर दूंगा इंक्लूडिंग द CSS स्टाइलिंग. नाउ दैट द बेसिक इज सेट अप, वी विल गो टू द मटेरियल UI की वेबसाइट और एक कोड स्निपेट आ रहा है टू इंस्टॉल MUI, सो आई विल कॉपी दैट. आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स इट विल इंस्टॉल MUI इन आवर प्रोजेक्ट्स फॉर अस टू यूज. एंड इफ आई कैन जस्ट कंफर्म बाय गोइंग इन द डिपेंडेंसीज फोल्डर, तो देयर वी हैव इट. टाइपोग्राफी इन मटेरियल UI काम आता है टेक्स्ट को वेब पेजेस पर डिस्प्ले करने में. अब देखते हैं कि MUI की टाइपोग्राफी कंपोनेंट कैसे प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है जिससे टेक्स्ट स्टाइल्स को प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए हम सबसे पहले टाइपोग्राफी को इम्पोर्ट करेंगे MUI से. इससे आप कॉन्टेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल जैसे हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के लिए. MUI की टाइपोग्राफी कॉन्टेंट को क्लैरिटी और एफिशिएंसी के साथ डिस्प्ले करने में हेल्प करती है. बेसिक स्टाइल्स के अलावा MUI एसेंशियल प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करती है जो टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं. प्रॉपर्टीज जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूजर्स को कस्टमाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि फॉन्ट फैमिली फॉन्ट स्टाइल को चूज करने में हेल्प करता है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट करता है, फॉन्ट वेट थिकनेस को कंट्रोल करता है और टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट को कंटेनर्स के अंदर अलाइन करता है. हर प्रॉपर्टी टेक्स्ट की विजुअल प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अलावा वेरिएंट प्रॉपर्टी एक की फैक्टर है जो अलग अलग टेक्स्ट टाइप जैसे हेडिंग और पैराग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होता है. हम इधर डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा वेरिएंट चाहिए टेक्स्ट का. अगर H1 चाहिए तो हम H1 सेलेक्ट करेंगे, अगर H2 चाहिए तो हम H2 सेलेक्ट करेंगे. मैं इधर H1 सेलेक्ट करता हूं और ब्राउजर में आप देखेंगे कि H1 अब डिस्प्ले हो रहा है. इससे ये इंश्योर करेगा कि कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर कंटेंट प्रेजेंट रहे. आखिर में इन फाउंडेशनल प्रॉपर्टीज के अलावा MUI की SX प्रॉपर्टी फर्दर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, अलाउइंग एडिशनल स्टाइल्स जैसे कलर और बॉर्डर्स को डिफाइन करने की ऑप्शन. ये प्रॉपर्टी टाइपोग्राफी प्रॉप्स के साथ मिलकर यूजर्स को एक्सपेंडेड क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ओवरऑल MUI की टाइपोग्राफी कंपोनेंट सिंपलिसिटी और वर्सेटिलिटी को कंबाइन करती है, मेकिंग इट एन आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगिनर्स. ऑलराइट गाइस, अब हम चलेंगे बटन्स के ऊपर. बटन्स वेब डिजाइन में बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो यूजर्स को वेब पेज पर मुख्तलिफ फीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने देते हैं. मटेरियल UI ने अलग अलग बटन स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, टेक्स्ट बेस्ड, कंटेंट और आउटलाइन. हर एक अपने खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं. टेक्स्ट बेस्ड बटन ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पर अपीयर होता है जब तक इस पर इंटरेक्शन ना हो और जब हवर किया जाए तो उसकी फंक्शनैलिटी रिवील होती है. कंटेंट बटन, इसमें एक विजिबल बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर होता है जो उसे प्रोमिनेंट अपीयरेंस देता है. आउटलाइन बटन, सिर्फ एक विजिबल बॉर्डर होता है बिना फिल्ड बैकग्राउंड के, ऑफरिंग अ यूनिक डिजाइन. स्टाइल्स के अलावा आप बटन साइजेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, अपनी खास डिजाइन प्रेफरेंस के लिए. इसके साथ ही MUI प्री डिफाइंड कलर ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है जैसे सक्सेस, एरर और इन्फो, जो आसानी से आपके बटन पर अप्लाई हो सकते हैं.
इन बटन्स को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। मटीरियल यूआई से बटन कंपोनेंट को अपने कोड में इंपोर्ट करें, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को इस कंपोनेंट से रिप्लेस करें, जिससे आप डाइवर्स बटन्स क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें वेरियस एट्रीब्यूट्स जैसे वेरिएंट, साइज, कलर और ऑन क्लिक इवेंट्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्मॉल कंटेंट बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ऐड टू कार्ट लेबल हो। ये था हमारा बटन्स इन मटीरियल यूआई। ऑलराइट गाइस, अब हम चलेंगे टेक्स्ट फील्ड्स की तरफ। टेक्स्ट फील्ड्स जो एक जरूरी कंपोनेंट है, रेप्लिकेट करते हैं फॉर्म इनपुट्स को जो यूजर्स को अलाउ करते हैं डेटा इनपुट करने के लिए, जस्ट लाइक एचटीएमएल इनपुट टैग्स की तरह फॉर्म्स के अंदर। टेक्स्ट फील्ड्स इनपुट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करती हैं विद एडिशनल स्टाइलिंग ऑप्शन जैसे स्टैंडर्ड फील्ड या आउटलाइन स्टाइल्स मटीरियल यूआई में। इधर तीन प्रीडिफाइंड टेक्स्ट फील्ड्स शामिल हैं, इनपुट, आउटलाइन या फील्ड। ये अलग अलग प्रीडिफाइंड स्टाइल्स और वेरियंट्स के साथ आते हैं। टेक्स्ट फील्ड मटीरियल यूआई में फॉर्म प्रॉप्स को सब करते हैं जो ऑलरेडी एचटीएमएल इनपुट्स में मौजूद हैं। इन टेक्स्ट फील्ड्स को विजुलाइज करने के लिए हम अपनी फाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग ए बटन विद अ टेक्स्ट फील्ड। जब हम पेज को सेव करेंगे, ये फील्ड्स डिफरेंट स्टाइल्स के साथ विजिबल होंगी, अलाउइंग क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन आउटलाइन, स्टैंडर्ड और फील्ड वेरिएंट्स। फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए हम यू स्टेट के साथ स्टेट हैंडलिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमें अलाउ करेगा कि हम टेक्स्ट फील्ड्स में एंटर की गई वैल्यूज को मैनेज करें, एंश्योरिंग यूजर्स की गई चेंजेस इफेक्टिवली स्टोर हों। ऑन चेंज फंक्शन चेंजेस को ट्रैक और मैनेज करने में हेल्प करता है इनपुट में। इन फंक्शंस को डिफाइन करके हम यूजर इनपुट और इंटरफेस के दरमियान इंटरेक्शन अनेबल करते हैं, प्रोवाइडिंग ए स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस। चूंकि तीन फील्ड्स हैं अभी, तो हम तीन डिफरेंट स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन लार्जर फॉर्म्स में हर फील्ड के लिए अलग स्टेट क्रिएट करने से बचने के लिए हम इनपुट्स और सेट इनपुट्स की स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। इंडिविजुअल स्टेट्स की जगह इनपुट्स एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड शामिल होंगे, जो स्टार्ट में खाली स्ट्रिंग्स के तौर पर सेट होंगे। हर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को हम inputs.name, inputs.email और inputs.password क्रिएट करेंगे। लेकिन ऑन चेंज को हटाने से जब डेटा एंटर किया जाए तो स्टेट अपडेट नहीं होगी। इसको ठीक करने के लिए हम हर टेक्स्ट फील्ड को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करेंगे। ये आइडेंटिफायर इनपुट ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, जैसे नेम, ईमेल या पासवर्ड। अब हम एक हैंडल चेंज फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हर इनपुट की स्टेट को मैनेज करेगा, ना कि हर इंडिविजुअल इनपुट के ऊपर डिफरेंट स्टेट। हम इस फंक्शन को हर फील्ड के ऑन चेंज के साथ एसोसिएट करेंगे। हैंडल चेंज फंक्शन हर इनपुट के बाद इवेंट को रिसीव करेगा। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा फील्ड अपडेट हुआ है और सिर्फ उस फील्ड की स्टेट को इनपुट्स ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट करेगा। क्योंकि ये रिएक्ट हैवी फोकस ट्यूटोरियल नहीं है, आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन MIUI। रिएक्ट को इंटरमीडिएट और एडवांस ट्यूटोरियल में देखेंगे, एज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कम्प्लीट बिगिनर फ्रेंडली MIUI। इनपुट्स को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करके और हैंडल चेंज जैसे एफिशिएंट फंक्शंस बनाकर हम फॉर्म डाटा को इफेक्टिवली मैनेज और प्रोसेस कर सकते हैं। अब फॉर्म को और एक्सपेंड करने के लिए हम और इनपुट एलिमेंट्स जैसे रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज और दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। चेक बॉक्सेस से स्टार्ट करते हैं। चेक बॉक्सेस यूजर्स को एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करने की इजाजत देते हैं चॉइसेस से। डिफॉल्ट चेक प्रॉपर्टी चेक बॉक्स को इनिशियल डिस्प्ले पर इनेबल करती है और मजीद प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑन चेंज, डिसेबल्ड, SX फॉर स्टाइलिंग, जो हम फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो कि मटीरियल यूआई और HTML में इस्तेमाल होते हैं। ये हमें लिस्ट से आइटम चूज करने में हेल्प करते हैं। सिलेक्ट टैग ड्रॉप डाउन बनाते हैं जो हमें ऑप्शंस चूज करने के लिए मिलते हैं। अब MIUI पर फोकस करते हैं और सिलेक्ट एलिमेंट को ढूंढते हैं। यहाँ हम वेरियस टाइप्स फाइंड कर सकते हैं, बेसिक सिलेक्ट, वेरियंट्स और आउटलाइंस। हम बेसिक सिलेक्ट चूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है और अच्छा दिखता है। कोड में फॉर्म कंट्रोल प्रेजेंट है जो फॉर्म एलिमेंट्स को मैनेज करते हैं। इसके अंदर इनपुट एलिमेंट्स और लेबल्स शामिल हैं। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। फॉर्म ग्रुप के बाद हम सेलेक्ट ऐड करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम MIUI। अब इनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करते हैं। बाय डिफॉल्ट एक पहले से सेलेक्ट की गई वैल्यू अवेलेबल होती है। ऑन चेंज, डिसेबल और SX फॉर स्टाइलिंग जैसी एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं। और अब हम एज को वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यूज 10, 20 और 30 है। अगर हम वैल्यू इज इक्वल टू 10 सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 10 को चूज करेगा। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा। रेडियो बटन अलाउ करते हैं सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना मल्टीपल ऑप्शन में। अब इनकी प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं। डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू सेट करने के लिए हम डिफॉल्ट चेक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे ऑन चेंज, डिसेबल्ड, SX प्रॉप फॉर स्टाइलिंग और मजीद, जिसे हम रेडियो बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। मटीरियल यूआई वेबसाइट पर जाएंगे और रेडियो बटन को बेहतर समझेंगे। एक रेडियो ग्रुप भी होता है, रैपर, जो रेडियो कंपोनेंट के इस्तेमाल को सिंप्लीफाई करता है। ये सब रेडियो एलिमेंट्स को रैप करता है। क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, मैं इसमें फॉर्म वैलिडेशन इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा।
एज इट्स गोइंग टू इंक्रीज इन द कम्प्लेक्सिटी। ऑलराइट गाइस, अब हम चलेंगे अगले कंपोनेंट पर। नेक्स्ट कंपोनेंट जिस पर हम फोकस करेंगे वो है ऐप बार। ऐप बार क्या है? ये वो टॉप सेक्शन होता है स्क्रीन पर जो कंटेंट को डिस्प्ले करता है विद बेसिक स्टाइलिंग एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली ये एक स्पेस है जो बैकग्राउंड कंटेंट, एक्शंस और लिंक्स प्रोवाइड करता है। इट्स जस्ट लाइक अ एचटीएमएल नेविगेशन बार। बाय डिफॉल्ट ये ब्लू बैकग्राउंड होता है जहां पर आप टेक्स्ट, वेबसाइट का लोगो, लिंक्स, बटन्स और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। मटेरियल यूआई में ये नेविगेशन बार्स के लिए यूज होता है विद बटन्स पोजीशन जैसे स्टिकी और नेविगेशन बार के स्टाइल को एडजस्ट करने के लिए। ये बेसिक एचटीएमएल नेव टैग की तरह है लेकिन रियल कंटेंट ऐड करने के लिए हम टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। टूल बार क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को लेआउट प्रोवाइड करता है, उनको एक रो में नीट तरीके से अरेंज करता है। ये टूल बार रियल वर्ल्ड नेविगेशन का फील देता है। फ्लेक्स बॉक्स आपको आती होगी, ऐसा आई एम अज्यूमिंग कि आती है, तो टूल बार इज जस्ट ए फ्लेक्स कंटेनर। तो समरी में ऐप बार और टूल बार MIUI के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यूजर फ्रेंडली नेविगेशन इंटरफेसेस को क्राफ्ट करने में हेल्प करते हैं। अगला कंपोनेंट जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे वो टैब्स है। टैब्स का काम होता है मल्टीपल व्यूज और नेविगेशन के बीच स्विच करना, या तो वेब पेज पर लिंक्स के रूप में या फिर मोबाइल बॉटम नेविगेशन के रूप में, जो क्लिकिंग के बाद डिफरेंट व्यूज पर नेविगेट करता है। टैब में चाइल्ड टैब कंपोनेंट्स होते हैं। ये उन कंपोनेंट्स के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। ये इंटरेक्शन टैब्स और उनके चाइल्ड कंपोनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है। टैब्स में वैल्यू और ऑन चेन जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आर बेनिफिट। वैल्यू एक्टिव और हाईलाइटेड टैब को डिनोट करती है, जबकि ऑन चेन एक डिफरेंट टैब को सिलेक्ट करने पर ट्रिगर होती है। एडिशनल प्रॉपर्टीज में इंडिकेटर कलर होता है टैब्स को हाईलाइट करने के लिए, और टेक्स्ट कलर जो कस्टमाइजेशन अलाउ करता है। ये प्रॉपर्टीज टैब्स को मटेरियल UI में वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। टैब्स एक्सप्लोरेशन और व्यूज के बीच स्विच को सिंपलीफाई करते हैं, ऑफरिंग बेसिक और एक्सपेरिमेंटल टैब्स। इन्हीं ऐप बार और टूल बार कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करके फुली फंक्शनल नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैब्स इंप्लीमेंट करना, वैल्यूज को डिफाइन करना और चेंज स्टेट्स को हैंडल करना इन्वॉल्व करता है, जिससे यूजर्स टैब से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनकी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलबैक्स के साथ हर टैब स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज को ट्रिगर कर सकता है, जैसे सिलेक्शन की बेसिस पर इंडिकेटर और टेक्स्ट कलर को चेंज करना। MIUI में टैब्स को समझना डायनेमिक इंटरफेसेस और इंट्यूटिव नेविगेशन एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने में काफी हेल्प करता है। ऑलराइट गाइस, जो अब अगला हम कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे वो है कार्ड। मटेरियल UI में कार्ड को क्रिएट करना काफी आसान है। कार्ड एक टॉपिक के बारे में कॉन्टेंट और एक्शन दिखाता है, बिल्कुल एक ब्लॉग पोस्ट की तरह। इसमें इमेजेस, हेडिंग, एक्शन बटन और भी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। मटेरियल UI में कार्ड्स के कुछ मूविंग पार्ट्स हैं, और ये जो कार्ड है ये इन इन कंपोनेंट से बनता है। हेडर, एवटार, क्लिक करने के लिए एक्शन एरिया एंड सो मच मोर। प्रॉपर्टीज जैसे मैक्स विड्थ उसकी साइज डिफाइन करती हैं, जिससे वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। SX जैसी एडिशनल प्रॉपर्टीज डिजाइन के लिए और क्लासेस डिफॉल्ट साइज एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल होती हैं। कार्ड सिंपल सर्फेसिस होती हैं जो एक सिंगल सब्जेक्ट के कंटेंट और एक्शंस को दिखाते हैं। इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे बेसिक कार्ड, आउटलाइन कार्ड या फिर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कार्ड। जैसे कि इंस्टाग्राम जैसे कार्ड में एवटार, हेडर, डिस्क्रिप्शन, एक्शन बटन्स और एक्सपेंडेबल कॉन्टेंट हो सकता है। मीडिया जैसे इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं, और शेयरिंग या लाइकिंग जैसे अलग अलग एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ये था कार्ड की बेसिक्स। मटेरियल UI में जो एक वर्सेटाइल तरीके से कंटेंट और एक्शंस को डिस्प्ले करने की एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायलॉग। तो डायलॉग एग्जैक्टली क्या है? ये एक पॉपअप विंडो की तरह है जो यूजर को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है, एंड इट कैन बी ओपन एंड क्लोज व्हेन रिक्वेस्टेड। बैकड्रॉप फीचर होता है जो बैकग्राउंड को ब्लर करता है जब वो ओपन होता है। अभी हम MIUI की वेबसाइट पर जाएंगे और उधर सर्च करेंगे डायलॉग। अभी हम MIUI की साइट पर जाएंगे और उधर हमारे सामने डायलॉग आ रहा है। इधर मैं किसी भी डायलॉग को सेलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने ये डायलॉग खुल रहा है। इधर काफी डिफरेंट टाइप्स के डायलॉग्स हैं, जैसे अलर्ट डायलॉग, सिंपल डायलॉग एंड सो मच मोर कर रहा है। ऑलराइट गाइस, अगला कंपोनेंट है हमारा मॉडल। मॉडल इज ऑल्सो सिमिलर टू डायलॉग बॉक्स, लेकिन इसकी यूज केसेस डिफरेंट है। मेरे सामने ये मॉडल है ऑन द MIUI की वेबसाइट। इसको मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने ये इस तरह का बॉक्स खुल गया है। इवन दो इट्स सिमिलर टू डायलॉग बॉक्स, लेकिन डायलॉग बॉक्स में आपको स्किप करने की ऑप्शन मिलती है, जैसे बटन पर क्लिक करना एंड सो ऑन। लेकिन मॉडल्स टिपिकली तब यूज होते हैं जब आप किसी वेबसाइट पर जाएं और वो आपको एक नॉन स्किपेबल चीज प्रेजेंट कर दे, आप स्किप नहीं कर सकते। तो उधर हमारे मॉडल्स यूज होते हैं। All right guys, अब हम बात करेंगे लिंक्स की। लिंक्स इन मटेरियल UI बिहेव एग्जैक्टली एज एंकर टैग्स इन HTML। इनके अंदर हम HREF का एट्रीब्यूट डालते हैं ताकि हम किसी और जगह आसानी से जा सकें। MIUI की वेबसाइट पर जाएं तो उधर लिंक्स को बनाने की चार चीजें हैं: वेरिएंट, कलर, अंडरलाइन और HREF। गाइस, अब अगला कंपोनेंट हम जो देखेंगे वो है कंटेनर का। कंटेनर कंटेंट को वेब पेज पर हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। ये तब मदद करता है जब आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट सेंटर में हो,
जैसे लॉगिन फॉर्म ऑटोमेटिकली सेंटर पर अलाइन हो और ये कंटेंट स्क्रीन साइज के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, हमें कंटेनर की स्क्रीन डायमेंशंस प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि कंपोनेंट का कंटेंट उस स्क्रीन साइज के मुताबिक सेंटर हो। कंटेनर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, पहले दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मैक्स विड्थ और फिक्स्ड। अगर हम चाहते हैं कि कंटेंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के मुताबिक अलाइन हो तो हमें मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। मैक्स विड्थ में हमें कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करनी होती है, जैसे कि एक्सेस। तो ये कंटेंट कवर करेगा एक्सेस स्क्रीन तक और ये कंटेंट को एक्सेस स्क्रीन के सेंटर पर अलाइन करेगा। ये कंटेंट मीडियम साइज तक कवर करेगा और फिर इसे अवेलेबल स्क्रीन के सेंटर पर ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा। और ये सब स्क्रीन साइजेस के लिए काम करता है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। और अब दूसरी प्रॉपर्टी है फिक्स्ड। और फिक्स्ड के लिए जब हम चाहते हैं कि कंटेंट मैन्युअली साइज ले और फिर उसे सेंटर पर अलाइन करे तो हमें फिक्स्ड ऐड करना पड़ता है। और फिक्स्ड के लिए मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी मिनिमम विड्थ के साथ मैच करेगी। तो ये था कंटेनर के बारे में। ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट कंपोनेंट जिसे हम देखेंगे वो होगा लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, जैसे नाम से पता चलता है लिस्ट सिर्फ एक ग्रुप होते हैं जो एलिमेंट को रेंडर करते हैं और हम इन्हें डेटा या ऑप्शंस को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। लिस्ट कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट होता है और फिर हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम बटन्स, आइकन्स और टेक्स्ट। अब हम देखेंगे लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। लिस्ट आइटम बटन में डिवाइडेड प्रॉपर्टी होती है जो लिस्ट के एलिमेंट्स के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करती है। और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे कंपोनेंट, जो लिस्ट को नया कंपोनेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, जैसे लिंक कंपोनेंट। और फिर हम स्टाइलिंग के लिए SX कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मटेरियल UI इज बेस्ड ऑन फ्लेक्स बॉक्स। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स सीखनी है प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। ये था हमारा क्रैश कोर्स ऑन MUI, ऑन व्हाट इट इज एंड हाउ वी यूज इट। इसके मुताबिक थीम्स क्रिएट करना, 12 कॉलम लेआउट और बाकी एडवांस चीज़ें हम इसके अगले कोर्स में करेंगे।